आज हम आपको एक ट्रांसजेंडर की कहानी बताने जा रहे हैं। ये पहली बार है जब केरल में किसी न्यूज चैनल ने ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया है। 22 साल की हेदी सादिया को कैराली न्यूज चैनल ने 31 अगस्त को बतौर ब्रॉडबैंड जर्नलिस्ट के तौर पर अपॉइंट किया है। सोमवार को उन्होंने न्यूज चैनल पर चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट की लाइव रिपोर्टिंग भी पेश की। हेदी ने अपने कैरियर में बीते वर्षों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिनमें वह काफी दुखी भी हुई। बीते वर्षों में सरकार ट्रांसजेंडर के लिए कई प्रोजेक्ट लाई ताकि समाज में उनके लिए बेहतर माहौल बनाया जा सके और अवसर पैदा हो सके। स्टूडेंट के लिए कॉलेजों में रिजर्वेशन से लेकर कोच्चि में मेट्रो में नियुक्ति जैसे कदम उठाए गए, लेकिन ट्रांसजेंडरों को मौका देने के मामले में केरल के एक न्यूज चैनल ने मिसाल पेश कर दी। उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को अपने न्यूज डेस्क पर नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब केरल में किसी न्यूज चैनल ने ट्रांसजेंडर को अपॉइंट किया है। 22 साल की हेदी साफिया को कैराली न्यूज चैनल ने 31 अगस्त को बतौर ब्रॉडबैंड जर्नलिस्ट के तौर पर अपॉइंट किया। सोमवार को उन्होंने चैनल पर चंद्रयान 2 प्रोजेक्ट की लाइव रिपोर्टिंग भी पेश की। हेदी ने कहा कि सुबह जब चंद्रयान की खबर आई तो डेस्क चीफ ने मुझे लाइव के लिए तैयार होने को कहा। शुरुआत में मैं थोड़ी डरी हुई थी और हैरान थी, लेकिन मेरे साथियों और वरिष्ठों ने मुझे प्रोत्साहित किया, मेरा उत्साह बढ़ाया। इसके बाद मैंने थोड़ा बैकग्राउंड रिसर्च किया और लाइव ब्रीफिंग दी। ये शानदार अनुभव रहा। हेदी ने आगे बताया कि अपने करियर में बीते वर्षों में कई उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं। 12वीं करने के बाद उन्होंने मैंगलोरु में MBBS के लिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उनके लिंग और अन्य स्टूडेंट द्वारा भेदभाव व रैगिंग के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्हें अपने माता पिता से भी मदद नहीं मिली। हेदी ने कोर्स छोड़ दिया और बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। हेदी ने आगे बताया कि मैंने इग्नू में BS इंग्लिश लिटरेचर में दाखिला लिया और बेंगलुरु में मामूली नौकरियां की। हालांकि तब भी बेंगलुरु में हुई घटना से उबर नहीं पाई। सबसे निराशाजनक मेरे माता पिता की टिप्पणी थी, मैं जैसी हूं मुझे वह वैसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। बाद में मैंने सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी कराई। साल 2018 में जब त्रिवेंद्रम प्रेस क्लब ने PG डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन मांगे तो मैंने अप्लाई कर दिया। मेरी 18वीं रैंक आई और एडमिशन मिल गया। हेदी ने कहा कि मैंने अपना कोर्स पूरा किया और मार्क्स भी अच्छे लाए, लेकिन इंटर्नशिप में मुझे बड़ी मुश्किल हुई। कई चैनल ने मेरी इंटर्नशिप एप्लीकेशन बिना किसी वजह के रिजेक्ट कर दी, लेकिन आखिरकार कैराली TV ने मुझे मौका दिया है। मेरी प्रोफाइल देखने के बाद भी उन्होंने मुझे चैनल में बतौर ट्रेनी जुड़ने का मौका दिया है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।